इस बात को नहीं मानता। सवाल ये, अगर वो होल्ड नहीं करते उनके हक में, अगरचे मैं एग्री नहीं करता बिल्कुल, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कौन करता। एसपीसीओ में जनरल ज़िया ने 16 ऐसे जजेस को भी फारिग कर दिया जिनकी अपने मनसब से वाबस्तगी किसी शख्स से बालातर थी, जबकि सिर्फ 3 जजों ने बज़ात खुद एसपीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। ये जनरल ज़ियाउल हक का इंतहाई शर्मनाक इकदाम था और सियासत कारनामा था। मुल्क की तारीख में अदलिया पर इससे पहले इस तरह का वार नहीं हुआ, और ये जो दरवाजा खोला गया जजों को निकालने का दस्तूर के से बालतर होकर, ये उस पीसीओ के तहत निकाला गया कि जो पीसीओ का हलफ उठाएगा उसको तो जज रहने का हक होगा, जो नहीं उठाएगा या उससे हलफ नहीं लिया जाएगा उसको हक नहीं होगा। इससे पहले 1979 में जनरल ज़िया सुप्रीम कोर्ट के एक मतनाज़ा फैसले में भुट्टो की सजाए मौत पर अमल दरामद भी करवा चुके थे। खुद वो जजेस जो उस पैनल में शामिल थे, जस्टिस नसीम हसन साहब, उनके बयान आप को अगर आपने सुने हो तो उन्होंने कहा कि इस केस में बहुत ज्यादती हुई है और ये एक जुडिशल मर्डर है। यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नापसंदीदा शख्सियत अमरीका के निगाह में बन गए थे और उनको मंदिर से हटाना मकसद था, तो डिक्टेटर ने अदालतों का सहारा लिया और अदालतों ने जिस तरह से फैसला दिया वो हर एक के सामने है। जी देखिए, अगर नसीम साहब ने अगर ये बात मंजूर की है, वो कहते हैं कि दबाव का था, तो दबाव के तहत जो फैसला दिया जाएगा तो वो तो कानूनी फैसला नहीं। लेकिन उसमें एक चीज़ बड़ी अजीब गरीब है, उसमें 3-4 से फैसला हुआ था। 3 जज एक तरफ थे, उन्होंने एक्विट किया था, 4 जज थे जिन्होंने को फांसी का हुक्म दिया था। लेकिन उसके बाद जो रिव्यू दाखिल हुआ था उसी केस में भुट्टो साहब ने एक रिव्यू दाखिल किया था जिसने उन 7 जजों ने शामिल उन जजों के भी जो उन्होंने उनको एक्विट किया था, उन सब ने यूनानी मसले उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये इस स्टेज पे ये कोई कहना कि वो फैसला सही था या गलत था तो मुमकिन नहीं, लेकिन ये कि इस बात की रोशनी में जो कि नसीम हसन साहब ने बयान दिया है, अगर ये बात साबित हो जाए कि उन्होंने दबाव के तहत दिया था, तो मैं समझता हूँ कि वो फैसला जो है वो कायम नहीं रह सकता। ज़ियाउल हक का इतना, यानी कह लीजिए उसका बहसीत एग्जीक्यूटिव हेड के इतना उसकी पावर थी कि उसके सामने पब्लिक ओपिनियन ही बोली तो आप जुडिशरी से क्या तवक्को रख सकते थे कि उसके खिलाफ फैसला करें। यकीनी तौर के ऊपर एक कमज़ोर फैसला है, और जहाँ तक के डॉक्टर नसीम हसन साहब का ताल्लुक है, बेशक उन्होंने ये बातें कही हैं और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक शख्स जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से बैठा हो और किसी मौके के ऊपर बाद में वो चीफ जस्टिस भी हो गया हो, वो इस किस्म के दबाव में आ जाए। जजों का दबाव में आने का क्या काम है? अब अगर नाइंसाफी हुई है भुट्टो साहब के सामने, तो
अगर नवाज शरीफ साहब का मुकदमा जो है वो कई बरस के बाद दोबारा सुना जा सकता है, तैयार साजिश केस, तो भुट्टो का मर्डर केस भी दोबारा सुना जा सकता है। इस मुकदमे में कोई वजह नहीं थी कि सजाए मौत दी जाती। अगर कोई फैसला होना भी था, ना मालूम सही होता या गलत होता, तो बात की बात है, लेकिन अगर होना भी था तो वो कैद के फैसले के अलावा और कोई फैसला आ ही नहीं सकता था। अगर मैं टेक्निकली के लिए बिल्कुल लीगल मानूं, अगर वो सजा दुरुस्त भी है तो मेरे नज़र में डेथ सेंटेंस नहीं बनती, जो आम जो आमतौर पर जो सजाएँ होती है वो कम होती हैं, मगर कानून के मुताबिक अगर देना हो तो सजाए मौत भी हो सकती है। आमतौर पर फौजी अदालतों के जरिए इस किस्म के काम किए गए हैं और अदलिया के जरिए मेरे ख्याल में दुनिया भर में ये एक ही मिसाल है। एस पी सी ओ की बदौलत जनरल ज़िया अदलिया की जानिब से बगैर किसी खदशे के अपनी मौत 17 अगस्त 1988 तक हकूमत करते रहे। अदालत उज़्मा ने हाजी सैफुल्ला खान केस में जनरल ज़िया के मई 1988 में जुनेजी हुकूमत और असेंबली को तोड़ने के इख्तियार को जनरल ज़िया की हलाकत के बाद बिला जवाज करार दिया। साबिक आर्मी चीफ असलम बेग ने एक इंटरव्यू में एतराफ किया कि उन्होंने 1988 के सितंबर में सेनेट चेयरमैन वसीम सज्जाद को यह पैगाम दिया था कि सुप्रीम कोर्ट असेंबली बहाल करने से बाज रहे। बहुत से मुल्क में अनासिर मौजूद थे, खास तौर से वो अनासिर हमारे सियासतदान और एक मफाद परस्त तबका जो हमेशा इस कोशिश में होता है कि गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से कोई हुकूमत बने तो उसका हिस्सा बन जाए। उनकी ये कोशिश थी कि जो हुकूमत दोबारा बहाल हो जाए। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने था तो मैंने जब मुझे इल्म हुआ तो अगर मैं चाहता कि खुद इंटरवीन करूं तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद था कि ऐसा फैसला अगर खुदा ना खास्ता आ जाता तो मैंने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने के लिए मेरे लिए एक ही रास्ता था कि मैं खुद इख्तदार लेकर के दोबारा इलेक्शन करवाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कोई एम्बैरेसमेंट हो मेरे लिए या हमारे मुल्क के लोगों के लिए। तो मैंने कोशिश की अपना पैगाम भेजने के लिए अदालत के सामने। 1993 में ही अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फैसला दिया कि जिसको एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैसला करार दिया जाता है।
इस फैसले में सदर गुलाम इसहाक खान के असेंबली तोड़ने के इकदाम को काला दम करार देकर नवाज हुकूमत को बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में आला अदालतों पर ऐसे जजों को तैनात करना शुरू कर दिया कि जिनकी माजी की सियासी वाबस्तगी एक खास जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही साथ थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 8 और चारों हाई कोर्ट्स में ऐसे 34 जजों को तैनात किया गया। मार्च 1986 में जजेस केस में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जजों की तकरीरों के लिए एक ज़ाब्ता कार को मुकर्रर कर दिया गया। इस फैसले से अदलिया को इंतजामिया से भी अलग कर दिया गया और इस फैसले को चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की क़यादत में सुनाया गया, जिन्होंने 1993 में नवाज हुकूमत बहाल करने की मुखालफत भी की थी। 1997 के आखिर में मुल्क को उस वक्त शदीद अदालती बहरान का सामना करना पड़ा कि जब नवाज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 जजों को तैनात करने के हुक्म को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने नवाज शरीफ पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम आयद किया और नवाज शरीफ को अदालत में तलब कर लिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 जजों की तैनाती को तस्लीम कर लिया, मगर ये बहरान अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने आइन की 13वीं तरमीम को कालादम करार दे दिया। इस फैसले के रद्द अमल में उस वक्त की जमात के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट में शदीद एहतजाज किया। अभी ये बहरान जारी था कि कोटा बेंच के एक फैसले में सज्जाद अली शाह को मैट्रिक के सर्टिफिकेट में उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनको मनसब के लिए ना अहल करार दे दिया गया। ताहम कौमी सलामती के इदारों की मदाखलत पर उस वक्त के सदर फारूक लगारी और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह दोनों को अपने ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा और अजमल मियां चीफ जस्टिस बन गए। 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क में चौथी दफ़ा फौजी मदाखलत हुई और आइन को मुअत्तल करके परवेज मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। उसके साथ ही पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट उसके 6 सीनियर जजों ने इनकार कर दिया काम करने से, पीसीओ का तलब उठाने से। चीफ जस्टिस को घर भेजा गया, जजों को घर भेजा गया और एक जूनियर जज जो है उसको चीफ जस्टिस बना के उससे तौसीक करा ली गई, क्योंकि अब आर्टिकल 6 मौजूद था। तो ये जो तौसीक करने का मामला है अदलिया से, ये पैदा हुआ है 1973 के बाद। लेकिन एक बात मैं आपसे और प्रश्न करूं, अदलिया पर हमें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन दुनिया में कहीं भी अदलिया जो है टैंकों का रास्ता नहीं रोक सकी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो थे अब्दुल हलीम पीरजादा, वो 12 अक्टूबर 1999 के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि 2 साल के लिए आप वैलिडेट कर दें, 2 साल के लिए हक दे दें मुशर्रफ को हुकूमत करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के लिए दे दिया। तो बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट
बार एसोसिएशन ये कह रही हो, जब अपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो खैर मकदमी बयान दे रही हो, तो फिर जो फजा होती है अदलिया कहां से उससे अलग रह सकती है। 2002 को मुशर्रफ के रेफरेंडम को भी अदालत उज़्मा ने जायज करार दे दिया।